अगर आप फर्स्ट टाइम केक बेक कर रहे हैं तो इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पहली बार में ही इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि आपको केक बेकिंग में मज़ा आने लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशिप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक, जो बहुत ही ईजी है। इसमें ना हमने अंडे का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई एसेंस लगेगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। रेसिपी को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिससे आसानी रहेगा आपको फॉलो करने में। तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास राउंड शेप का केक टिन है, आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे, आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लीजिए चारों तरफ। आप चाहे तो इसके बेस में बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी तरीका है, सबको आसानी रहेगा फॉलो करने में। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने बटर से ग्रीस कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मैदा को डस्ट करेंगे। तो एक टेबलस्पून के लगभग मैदा ले लीजिए और टिन को शेक करते हुए इस तरह से चारों तरफ इसे फैला लीजिए। ये देखिए, तेल लगे होने के कारण मैदा अच्छी तरह से कोटेड हो जाता है टिन के ऊपर। साइड्स में भी अच्छी तरह से फैला लीजिए इसे, और जो एक्सेस मैदा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो केक बेकिंग करते समय सबसे पहले केक टिन को ग्रीस करके रख लीजिए। यहाँ पे देखिए, टिन हमारा अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है, ये देखिए। अब चलते हैं हम सेकेंड प्रोसेस में, जिसमें हमें प्री हीट करना है। तो यहाँ पे हम चूल्हे पे से बना रहे हैं, गैस ओवन पे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिए मैंने, स्टैंड रख दिया है, और लो फ्लेम पे इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। जब तक हमारा बर्तन प्री हीट हो रहा है, इस बीच हम बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे आधा कप बटर। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्वान्टिटी भी आधा कप होगी। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ले लिया था, जिसे ग्राइंड कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। और इन दोनों को हमें अच्छी तरह से तब तक मिला लेना है जब तक ये दोनों स्मूथ ना हो जाए। हार्डली एक मिनट का समय लगेगा आपको, तो आप देखेंगे कुछ ही देर में ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, और ये देखिए इसका टेक्सचर। बस इसे ज़्यादा इसे नहीं मिलाना है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैदा ले लिया मैंने, एक कप मैदा लिया है। इसे मैंने पहले से ही छान लिया था, अगर आपने नहीं छाना है तो छान के ही ऐड कीजिए। ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए, इससे केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है आधा कप, ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, और आपको भी वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब एक बार अच्छी तरह से सबको हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक कप दूध ले लिया मैंने रूम टेम्परेचर का, और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। एक साथ दूध मत डालिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड करती जा रही हूँ, बहुत ईजीली ये स्मूथ होते जा रहा है। तो ये केक बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिए, एक कप दूध लग गया पूरी तरह से, और यहाँ पे मैं, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से। और यहाँ पे आपने देखा, ना इसमें अंडों का इस्तेमाल हुआ है, ना ही हमने एसेंस ऐड किया है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद लगभग 2 से 3 टेबलस्पून और दूध ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पर दूध की क्वान्टिटी 1 कप और 3 टेबलस्पून रहेगी। और यहाँ पे अच्छा स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। केक का बैटर बनाने के बाद अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी ले ली है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसमें ऐड करेंगे हम आधा छोटी चम्मच मैदा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हम केक के बैटर में ऐड करने वाले हैं, तो अगर आप ऐसे ही ऐड कर देते हैं तो ये बेस में पूरी तरह से बैठ जाएगा। और अगर मैदा डाल के इसे डस्ट कर लेंगे तो ये इवेनली फैलेगा उसमें, ये पूरी तरह से नीचे नहीं बैठता है। तो ये टिप आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं केक में, उसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लिया है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इसे, जस्ट एक सिंपल स्टर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे बैटर तैयार है, इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम टिन में, जिसे हमने ग्रीस करके रखा था। बैटर डालने के बाद थोड़ा सा गार्निशिंग ऊपर से भी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं चारों तरफ अच्छी तरह से टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आप चाहें तो चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से टैप कर लीजिए इसे इस तरह से,
और यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है, तो अब ढक्कन हटा के हम केक टिन डाल देंगे इस पे और इसे कवर कर देते हैं लो फ्लेम पे। कम से कम ये 40 मिनट में बनके तैयार होगा। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सी पे प्रीहीट कर लीजिए और 32-35 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 35 मिनट्स हो चुका है, तो मैंने चेक किया तो ये देखिए अच्छी तरह से ये क्लीन निकल आया नाइफ़, ये देखिए। तो केक हमारा बनके तैयार हो चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और केक को हम पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कट करेंगे। तो यहाँ पे केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे प्लेट में बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये कितना फ्लफी बना है। तो अगर आपने टिन को अच्छी तरह से ग्रीस किया है तो ईजिली ये निकल आएगा, नहीं तो आप इस तरह से टैप करके उसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे केक ईजिली नीचे बैठ गया था, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ टैप किया। अब काट के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो काटते वक्त ही मुझे फील हो गया कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, और ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग और कलर तो शानदार आया। तो ये केक आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही अच्छा बनाएंगे, तो बाकी केक बेकिंग में भी आपको मज़ा आएगा। तो इस केक की रेसिपी को देखिए, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।